गाइस, मैं हूं नैंसी छाबड़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स एंड प्रॉपर्टी मॉल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि रहने वाली है काफी प्राइम लोकेशन पे। जैसे कि आज के टाइम पे सबकी रिक्वायरमेंट है ट्राई सिटी में कि एयरपोर्ट रोड का नाम सुनते ही उनको होता है कि जी हमें तो इसी लोकेशन के आसपास ही प्रॉपर्टी चाहिए। तो वैसा ही एक गेटेड सोसाइटी के अंदर आपके लिए लेकर आए हैं प्रोजेक्ट जो कि रहने वाला है काफी प्रीमियम साइज में 3BHK फ्लैट्स। तो जो लाइक करते हैं कि हमें हाई राइज में ही चाहिए एंड वो गेटेड सोसाइटी भी हो एंड एयरपोर्ट रोड से भी काफी नजदीक हो, तो ये तो एक इसका प्लस पॉइंट है ही है। इसी के साथ ही जो PR6 अपकमिंग रोड है, 200 फीट का ही जो हाईवे है, वो भी इस प्रोजेक्ट से काफी नियरेस्ट रहने वाला है। तो अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हैं जहां पे आपको एक लग्जरी लाइफस्टाइल भी मिल पाए, उसी के साथ ही आपकी एप्रिसिएशन के चांसेस भी काफी ज्यादा हो, ताकि प्रॉपर्टी में आपको ये ना हो कि हमने आज इन्वेस्ट कर दिया तो कल को क्या प्रॉफिट रहेगा, तो ये दोनों ही चीजें आपको इस प्रोजेक्ट में मिलने वाली है। तो आ जाइए, आपको एक बार विजिट करवाते हैं लोकेशन। तो ये आ जाती है इस प्रोजेक्ट की मेन एंट्रेंस, जो अभी क्या है डेवलपमेंट यहाँ पे चल रही है। वाटर बॉडीज आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड पे, तो यहाँ पे जो क्या है कॉमन एरियाज भी अभी डेवलप हो रहे हैं। ग्रीन एरिया आपको यहाँ पे काफी मिल जाएगा एंड नॉर्मली जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि सोसाइटीज में हमें फैसिलिटीज मिल जाए, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, तो वो सारी ही चीजें आपको इस जगह पे मिलने वाली है। तो ये आ जाती है हमारे प्रोजेक्ट की लोकेशन। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है कि नॉर्मली हम फ्लैट्स पे इतना पैसा खर्च करते हैं क्योंकि वहां पे क्या है कि बिल्डर की कंस्ट्रक्शन हमें मिलती है, बट वो जो कंस्ट्रक्शन होती है लॉन्ग टाइम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होती है, क्योंकि ब्रिक्स की कंस्ट्रक्शन में हमें भी पता है कि थोड़े टाइम के बाद ही सीपेज के इश्यूज आने लगते हैं एंड वो ट्रस्टवर्थी कंस्ट्रक्शन भी नहीं होती है। बट इस प्रोजेक्ट में आपको जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मिलने वाली है वो रहेगी मायवान टेक्नोलॉजी के साथ। जी बिल्कुल, ये जो इन्होंने टेक्नोलॉजी ये लेकर आए हैं, ये फॉरेन का अडॉप्टेड प्रोसेस है कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन की जाती है वो ब्रिक्स की बजाय सारा ही कंस्ट्रक्शन एंड आयरन मटेरियल के साथ सारा काम किया जाएगा। तो ये फ्लैट में आपको ये भी बेनिफिट मिलने वाला है कि पूरा ट्रस्टवर्दी आपको कंस्ट्रक्शन प्लान मिल रहा है। इसी के साथ ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे पार्किंग स्पेस की, तो मेरे बैक साइड आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये S+17 रहने वाला है। जी बिल्कुल, स्टिल्ट पार्किंग भी हमें काफी हाइट तक मिलने वाली है। नॉर्मल प्रोजेक्ट में क्या होता है कि हम बोलते तो हैं स्टिल्ट पार्किंग है बट उसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं मिलती है, तो यहाँ पे हमें काफी ज्यादा हाइट के साथ स्टिल्ट पार्किंग मिलने वाला है। एंड जो बेसमेंट पार्किंग आप मेरे बैक साइड देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में हमें दोनों पार्किंग्स मिलेंगी। तो आज के टाइम पे जैसे हर पर्सन के पास अपना कन्वीनियंस है, तो पार्किंग का आपको यहाँ पे कोई भी इशू नहीं रहने वाला है क्योंकि दोनों पार्किंग स्पेस आपके लिए अवेलेबल है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के लिए जा रहे हैं तो हमें नहीं पता कि वहां पे कैसी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी यूज की जा रही है या वहां पे कौन सा मटेरियल लगाया जा रहा है। तो आज ऐसे ये जो साइट है हम लाइव विजिट कर रहे हैं, उसी के साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी कैसे यूज हो रही है। तो जैसे मैं बात कर रही थी मायवान की, तो उसमें क्या होता है ये जैसे आउटर जो बॉडीज हैं इस कंस्ट्रक्शन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हम फ्लैट में भी नहीं गए हैं, तो आउटर कंस्ट्रक्शन ही इस प्रोजेक्ट की काफी ज्यादा अच्छी है कि यहाँ पे ब्रिक्स का जो वर्क है वो नहीं किया जा रहा है। एंड अगर मैं बात करूं बाकी की जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, उसमें भी आपको जो टाइल्स मिल रही हैं या जो भी सैनिटरी फिटिंग्स मिल रही हैं, सारी ही चीजें A1 क्वालिटी की रहेंगी। ये एट प्रेजेंट साइट पे आप देख सकते हैं कि सारा जो मटेरियल अवेलेबल है वो A1 क्वालिटी की चीजें यहाँ पे सारी यूज की जा रही है। तो ये आ जाता है हमारा कंस्ट्रक्शन एरिया जहां पे आपके बिल्ट अप फ्लैट्स रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ये आपको मिल जाएगा वॉकिंग कॉरिडोर, जिसमें आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा स्पेस रहने वाला है। इसी के साथ ही हर फ्लोर पे यहाँ पे 4 फ्लैट्स रहेंगे जिनका जो साइज रहेगा वो 1720 स्क्वायर फीट है। जी बिल्कुल, 1720 स्क्वायर फीट में ही आपको 3BHK जो मिलेगा। इसी के साथ ही हर फ्लोर पे 2 स्टेयर्स अवेलेबल रहती हैं, एक आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड पे एंड एक आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे राइट साइड पे, तो 2 यहाँ पे स्टेयर केस रहेंगी। तो इसी के साथ ही अगर बात करें लिफ्ट की, तो ये जो फ्लैट्स हैं जैसे S+17 का ये पूरा
फ्लोर मैप है। इसी के साथ ही यहाँ पे आपको दो लिफ्ट मिलने वाली हैं, जहां पे क्या है नॉर्मली आप किसी भी प्रोजेक्ट में विजिट करते हैं चाहे वो हाई राइज होते हैं, बट वहां पे नॉर्मली हमें छोटे साइज का ही लिफ्ट मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अभी वर्किंग नहीं है क्योंकि प्रोजेक्ट अभी चल रहा है कंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पे आपको बड़े साइज की जो पैसेंजर लिफ्ट मिलने वाली है, उसी के साथ ही जो हम देखते हैं जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में या होटल्स में होता है कि कार्गो लिफ्ट भी अवेलेबल होती है, तो वो साइज की आपको यहाँ पे दूसरी जो है लिफ्ट मिलने वाली है। तो अब आपको दिखाते हैं एक्चुअल फ्लैट का एरिया। तो अभी यहाँ पे क्या है कि कंस्ट्रक्शन ऑन गोइंग है, तो जो हम आपको फ्लैट दिखा रहे हैं वो एक्चुअल फ्लैट आपका रहेगा। तो यहाँ पे अभी जो आपको सेमी फर्निश्ड मिलने वाला है उसमें अभी कुछ चीजें बाकी है, जो जब आप विजिट करोगे तो आपको ऑन टेबल वो सारी चीजें समझा दी जाएंगी। तो अब आपको लेकर चलते एक बार फ्लैट के अंदर। ये जाता है आपका मेन एंट्रेंस फ्लैट का, जहां पे आपका बिल्कुल फ्रंट पे रहेगा चिल्ड्रन बेडरूम या जिसे आप एज अ गेस्ट बेडरूम भी यूज कर सकते हैं। इसका एक बार आपको स्पेस दिखा देते हैं, आ जाइए। तो ये आ जाता है आपका फर्स्ट बेडरूम। इसका आप साइज देख सकते हैं, एज अ किड्स बेडरूम आप इसे यूज कर सकते हैं, बट उसका बेनिफिट क्या रहेगा, इस फ्लैट में आपको हर बेडरूम के साथ जो बालकनीज हैं वो अटैच्ड मिलने वाली हैं। हर बेडरूम के साथ आपको ओपन स्पेस मिलेगा, जहां पे आपको फ्लैट वाली फील तो बिल्कुल ही नहीं आएगी कि वेंटिलेशन और सनलाइट प्रॉपर रहेगी। इस बेडरूम के साथ भी जो आपको कबर्ड्स हैं वो आपके इस तरह से अटैच रहने वाले हैं। स्टोरेज स्पेस आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा रहेगा इसमें, साइज काफी सफिशिएंट है एंड कलर भी बहुत ही सोबर सा रहेगा। इसी के साथ ही जो आपको फॉल सीलिंग वर्क है वो भी करवा कर दिया जाएगा। एंड अब आ जाता है हमारा जो वॉशरूम है वो आपका अटैच्ड आ जाएगा इस बेडरूम के साथ भी। तो स्पेस का आप आइडिया लगा सकते हैं कि काफी स्टैंडर्ड साइज का यहाँ पे वॉशरूम रखा गया है। तो अब आपको लेकर चलते हैं हमारे ड्राइंग डाइनिंग एरिया में। तो ये आ जाता है हमारा स्पेशियस सा ड्राइंग डाइनिंग, जहां पे क्या है कि आप 5 से 7 सीटेड सोफा अपना इंस्टॉल कर सकते हैं। उसी के साथ ही बिल्कुल आपका जो 6 सीटेड डाइनिंग टेबल है उसके लिए आपको स्पेस मिल जाता है। तो जैसे मैंने प्रीवियसली मेंशन किया कि हर एरिया में आपको ओपन एरिया और बालकनीज अटैच मिलने वाली हैं, इसी तरह आपके ड्राइंग डाइनिंग के साथ भी बालकनी का व्यू रहेगा। अब आ जाता है हमारा मॉड्यूलर किचन। तो ये जो एक्चुअल फ्लैट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज इट इज जो वुडवर्क हो रखा है, इसी तरह से आपके फ्लैट में आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। कबर्ड्स के कलर कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो बड़ा ही स्लीक सा और क्लासी सा यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया गया है। तो किचन में आप देख रहे हैं कि जो कैबिनेट्स हैं वो तो हमें सारे एज इट इज मिलने ही वाले हैं। इसी के साथ ही ये फ्लैट में आपको चिमनी, आरओ एंड जो अपना हॉब वगैरह होता है वो भी सारी चीजें आपको सेमी फर्निश्ड में इंक्लूडेड ही मिलेंगी। तो अब आपको दिखाते हैं हमारा सेकंड बेडरूम। तो ये आ जाता है आपका सेकंड बेडरूम। इसी के साथ ही आप इसका साइज देख सकते हैं कि इसे आप एज अ मास्टर बेडरूम भी यूज कर सकते हैं। एंड इस बेडरूम के साथ भी आपका जो बालकनी रहेगा वो अटैच रहने वाला है। एंड इस तरफ आ जाते हैं आपके कबर्ड। तो यहाँ पे थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन ग्रे के साथ यूज किया गया है, ये भी आपके फुल हाइट रहेंगे, स्पेस आप इसका भी देख सकते हैं। अब आ जाता है अपना जो वॉशरूम रहेगा वो भी आपका अटैच रहने वाला है। तो सैनिटरी फिटिंग्स आप जो एज इट इज देख रहे हैं वो आपको सारा सेम मिलने वाला है। टाइल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ा ही ब्यूटीफुल सा कलर कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। तो ये सारी चीजें हमें एज इट इज मिलने वाली है। तो इसी के साथ ही लेकर चलते हैं आपको हमारे थर्ड बेडरूम में। तो ये रहेगा आपका थर्ड बेडरूम। यहाँ पे भी आप इसका साइज देख सकते हैं कि काफी सफिशियंट रहने वाला है। ओपन एरिया हमें इसके साथ भी मिलने वाला है। इसी के साथ ही जो यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट रहने वाला है फर्स्ट फ्लोर वालों को, एक्स्ट्रा चार्जेस तो थोड़े पे करने ही पड़ेंगे, बट उसी के साथ ही आपको काफी ज्यादा स्पेशियस आसपास सराउंडिंग में भी आपको जो स्पेस मिल जाएगा। तो फर्स्ट फ्लोर वालों के लिए काफी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। इसी के साथ ही जो इस बेडरूम का भी आपका वॉशरूम है वो भी एक बार आप देख लीजिए साइज। तो ये आपका अटैच रहने वाला है। तो ये सारी ही चीजें जो आप देख रहे हैं इससे भी ज्यादा जो हमें सेमी फर्निश्ड में प्रोडक्ट मिलने वाले हैं,
हर बेडरूम में आपको फैन प्रोवाइड किए जाएंगे एंड हर बेडरूम के साथ ही आपको जो लाइट्स वगैरह है वो भी प्रोवाइडेड रहेंगी। एसी फिटिंग्स आपको पूरे फ्लैट्स में करवा कर दी जा रही हैं। तो अब आपको दिखाते हैं एक और ज्यादा एक्साइटेड करने वाली चीज। तो इस फ्लैट में आपको ओपन एरिया काफी ज्यादा मिलने वाला है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया। तो चारों साइड से आपको 4 बालकनीज मिलने वाली हैं एंड स्पेस आप देख सकते हैं सराउंडिंग्स में कि काफी ज्यादा रहने वाला है, जिसमें आपको जब आप इंजॉय करना चाहें कि हमें सनलाइट का एंजॉय करना या इवनिंग टाइम पे टी कॉफी एंजॉय करना है, तो आसपास अपना काफी जो ज्यादा आप सिटिंग एरिया मैनेज यहाँ पे कर सकते हैं। तो अकोमोडेशन अभी आप देख चुके हैं एंड काफी जोरों शोरों से यहाँ पे पूरी साइड में काम भी चल रहा है। एंड प्लस पॉइंट क्या है कि जैसे ये MyOne टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो वो काफी फास्ट होती है अगर हम बात करें उसके कंपैरिजन की ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन के साथ। तो पोजेशन आपको वेरी सून मिलने वाला है, इसी ईयर के मिड में यहाँ पे आपको पोजेशन मिलने वाला है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जब तक हमारी मान लो बाकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होती हैं कि आपको उसी के साथ ही पोजेशन मिल जाएगा। एंड सारे जो हमारे बैंक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, ऑलमोस्ट सारे बैंक्स फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है कि आपको लोन भी मिल जाएगा। इस पे काफी ज्यादा स्पेशियस फ्लैट है, साइज काफी अच्छा है। और अगर मैं बात करूं मोहाली के एरिया की, तो जैसे इसकी जो लोकेशन है एग्जैक्ट वो सेक्टर 74A और 117 में पड़ती है। इसी के साथ ही यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे आसपास के प्रोजेक्ट्स की, तो इससे भी कम एरिया में आपको कॉस्ट ज्यादा पे करनी पड़ती है। तो जैसे कि क्या होता है, आसपास के जो प्रोजेक्ट्स हैं तो वहां पे जो फ्लैट का साइज रहेगा 1500 स्क्वायर फीट के करीब रहेगा और जो उसका प्राइस है वो 1 CR प्लस जा चुके हैं, जहां पे आपको कंस्ट्रक्शन भी ब्रिक्स की मिलेगी, ना कि इस MyOne टेक्नोलॉजी के साथ। तो काफी अच्छा ऑप्शन है, एक बार आप साइट भी विजिट कर सकते हैं। गेटेड सोसाइटी है, फैसिलिटीज आपको यहाँ पे सारी मिलने वाली हैं। तो इसका जो आस्किंग प्राइस रखा गया है, जो स्टार्टिंग प्राइस है 69.90 लाख इसकी आस्किंग है। ऑन टेबल थोड़ा बहुत जो भी होता है वो आपका रिगार्ड्स जरूर किया जाएगा, एक बार आप इस साइट को विजिट कीजिए। और इसी के ऊपर और इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे प्रोवाइडेड नंबर्स के ऊपर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स एंड प्रॉपर्टी मॉल को। थैंक यू सो मच।